धर्मरक्षा संगठन की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गो भक्तों द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। धर्म रक्षा संगठन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मोतीनगर चौराहे से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रैली में मुख्य अतिथि के रूप में गौ माता की आरती और हरी झंडी दिखाई। धर्म रक्षा संगठन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मोतीनगर चौराहे से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रैली में मुख्य अतिथि के रूप में गौ माता का पूजन कर हरी झंडी दिखाई। संगठन के संरक्षक कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में शुरू हुई वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सदर में संपन्न हुई। इस रैली में धर्म रक्षा संगठन के सूरज सोनी सहित बड़ी संख्या में गौभक्त शामिल हुए। आज धर्म रक्षा संगठन की 17 वर्ष पूर्ण होने पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धर्म रक्षा संगठन द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था संगठन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी रैली में शामिल हुए थे। उन्हीं के द्वारा भगवा झंडी दिखाई गई थी, साथ ही गौ माता की पूजा आरती के साथ ये रैली संपन्न हुई थी, जिसमें सागर के विधायक शैलेंद्र जैन जी, संगठन के संरक्षक कुलदीप सिंह जी राठौर जी, हमारे संत समाज से विपिन बिहारी महाराज जी, मदन गोपाल शास्त्री जी और सागर के तमाम हिंदूवादी संगठन इस रैली में बाइक रैली में शामिल हुए थे। ये रैली सागर मोतीनगर से 3 बत्ती बीटर बाजार पर कोटा गोपालगंज सिविल लाइन से होते हुए सदर में समापन हुई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य था गौ माता के प्रति लोगों को जागरूक करना और प्रतिवर्ष वर्षगांठ जो मनाई जाती है नए नए कार्यक्रम किए जाते हैं गौ माता को जगाने लोगों को जगाने के लिए गौ माता के प्रति, जिसमें तिथि कोटि के देवी देवता वास करते हैं। रैली में तमाम सागर के हिंदूवादी संगठन शामिल हुए थे, जिसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। रैली में गौ माता के नारे लगाए गए थे और मुख्य अतिथि जो थे उन सभी ने संगठन को आगे जाने की कामनाएं शुभकामनाएं दी थी। जय गौ माता जी।